कौन सा दांत हिल रहा है? ये वाला दांत हिल रहा है। एक ही मौसम जो खराब लगता है वो है गर्मी का, बस गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता। कितना क्यूट है, ये तो बहुत महंगा है, फिर क्या करेंगे अभी? खर्चा संभाल लेंगे। तो अभी हम लोग ट्राई का टाइम हो गया ना, बस बारिश की सीजन में ये अच्छा लगता है कि पूरा जो मौसम है ना एकदम मतलब मस्त हो जाता है। तो ये हाइक की राइडिंग बताओ, आपकी राइडिंग तो बताओ, अरे सब देखेंगे आपको वाव बोलेंगे। हम लोग ने इसका नाम स्नोवी रखे है, स्नोवी। बचपन खत्म, शौक खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मुसी शेडी वर्ल्ड। तो आज हम लोग जा रहे हैं आयत का यूनिफॉर्म कंपास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आयत का यूनिफॉर्म लेने, और स्कूल की बाकी की जो भी एक्सेसरीज आती है वो सब हम लोग अभी लेने के लिए जा रहे हैं। और अभी हम बारिश में भीग रहे थे, पहली बारिश का पहला व्लॉग। और अभी आयत कितनी सीनियर में गई ना, जूनियर के जी, और अभी आयत जूनियर के जी में जा चुकी है। मेरे को बचपन से सीनियर बोल रहा हूँ, सीनियर नर्सरी जूनियर समझ में नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आता है, इसके लिए बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, है ना उसका? नर्सरी जूनियर और फिर सीनियर। अच्छा ठीक है, चलो जो भी है। तो अभी जाते हैं, फिलहाल तो मैं भीगा हूँ और इन लोग दोनों सूखे हैं। मैं सूखी नहीं, मैं आधी भीगी हूं। लेकिन आयत की जो छोटी सी छतरी है ना, बता बेटा, ये जो आयत की छोटी सी छतरी है ना, आयत का सर बचा ली, है ना मुस्कान? क्योंकि ना रेनकोट थे हम लोग सब लोग के, मैंने कहा रखी मुझे मिल नहीं रहे। चलो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या करते क्या है। हमारे मुमरा का बारिश के मौसम में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, सिर्फ एक ही मौसम जो खराब लगता है वो है गर्मी का, बस गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता। तो गाइस अभी हम लोग जो है आयत के यूनिफॉर्म की शॉप पर जो है पहुंच गए। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मतलब दोनों सूखे सूखे, मैं गीला गीला, और पहली बार यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है, मतलब हम लोग सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गया है जहाँ बारिश हो रही थी, और यहाँ पे देखो पूरा रोड वोड सब सूखा है। इन यार ऐसा कैसे हो सकता है, देखो ना यहाँ पे बारिश हुई नहीं है, पूरा रोड जो पूरा सूखा है। ये लेना है क्या है? वो शूज तो है ना आपके पास ऑलरेडी, शूज है, सैंडल है घर पे। तो ये यूनिफॉर्म स्कूल का है आपके। आयत का यूनिफॉर्म और आयत का स्कूल बैग ले लिए। बाकी क्या मौसम हो गया है, एकदम मस्त लग रहा है पूरा मौसम देखो, बस बारिश की सीजन में ये अच्छा लगता है कि पूरा जो मौसम है ना एकदम मतलब मस्त हो जाता है यार। आयु अभी क्या लेने जाने का जल्दी बता दो। और बुक तो अभी नहीं मिलेगी, वही बाद मिलेगी, वो आपको स्कूल से मिलेगी। अभी क्या खरीदना, मार्केट से शॉपिंग क्या करना है? पेन थोड़ी यूज करते, आप तो छोटे बच्चे हो। पेंसिल है बेटा आपको। और आज का दांत हिल रहा है, कौन सा वाला बताओ? कौन सा दांत हिल रहा है? ये वाला दांत हिल रहा है। क्यों हिल रहा दांत बताओ? ब्रश नहीं करी थी कल, इसलिए क्या करके दिखाऊं? चला के दिखाऊं? गिरी गया, चल चला के दिखा। अरे वाह, चला चला। तो अभी आयत के चालू, यहाँ पे वहाँ उंगली करना। यहाँ पे हम लोग आए आयत की स्कूल की वाटर बॉटल लेने। ये नहीं, स्कूल की बॉटल लेने आए ना। फिर ये सब क्यों ले रहे हो? क्या बोल रहे हो इधर, इधर बोलो। ये सब बहुत अच्छा है, पेन है वो, लेकिन आपको तो पेंसिल है ना। क्या ये, क्या बोलते इसको? अच्छा सर क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न कंपास बॉक्स। ये देखो, ये रबर और ये पेन। देखो कितना क्यूट है, रबर भी और पेन भी है। देखो हाँ, कितना क्यूट है, देखो हाँ, रबर भी पेन भी है। ये लो। ये तो बहुत महंगा है, फिर क्या करेंगे अभी? खर्चा संभाल लेंगे अपन तो पैसा। खर्चा संभाल लेंगे, आज बोल दी खर्चा संभाल लेके, थोड़ा ले लो बोले। ये ब्लू वाला ले, स्टील वाला है वो। हाँ मुस्कान, स्टील वाला अच्छा ना खाना खाने के लिए। और बॉटल भी हम लोग ने जो है स्टील वाली ली है। और स्टील वाली बॉटल हमने इसलिए ली है क्योंकि बच्चे लोग का जो पानी रहता है प्लास्टिक बॉटल में, थोड़ा अच्छा नहीं है प्लास्टिक में पानी पीना, अनहेल्दी होता है, इस वजह से हम लोग ने स्टील की बॉटल ली है। और स्टील का टिफिन भी लिया है ना, ये मेरी पसंद का टिफिन, क्या मस्त लग रहा है ना, स्टील है वो भी। ये था वो टिफिन। हाँ यही बाबा, मस्त चीज लग रही है आयत की। इससे प्राइस पूछे और आपको बताए, इतने में हम लोग को ये दोनों चीज मिली जो भी हम लोग ले गए यहाँ से। अभी आयत कंपोस्ट पसंद कर रही है कि कौन सा कंपोस्ट को लेना है, लेकिन पेन पे क्यों हाथ डाल रही है सब? ये पेंसिल है, मेरे को पहले बहुत शौक था ये पेन पेंसिल ये सब डिजाइन वाली लेने का, बचपन खत्म, शौक खत्म।
ये तो ले फटाफट कंपास, टिफिन और वाटर बॉटल हो गई ना स्टील की, अब सिर्फ कंपास बाकी है, वो प्लास्टिक मिलेगा चलेगा। अपने बचपन में बहुत ताना ये सब, ये तो ना है ना, मैं ये बोल देता था सब शॉपनर का ढक्कन खुलता था, एक इसमें ऐसा था कि शॉपनर का ढक्कन खुलता था, यहाँ से बचपन गया शौक गया। देखो आयत देखते देखते अंदर घुस गई, ओ कि देखो बाइक का सीट कितना छोटा है। आयत चाहिए आपको ऐसा दिल डेढ़ा आदमी दिखाई, ठीक है चलो बाहर आ जाओ अभी। तो दुकान के अंदर गोडाउन में घुस गई, देखो बाहर दुकान या गोडाउन है, अंदर घुस किसी नजर कितनी तेज है, देखो ना बाइक पे चले गए डायरेक्टली। बच्चे लोग को खिलौने कहाँ से भी दिख जाते कैसे भी, हम भी बचपन में ऐसी थे कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा सीट जीते, फिर भी आज तक सीट नहीं करती है। आयत चला जा चल, देख अंकल गो आएगा, चल मैं जा रहा हूँ टिकट ट्री के बच्चों को बाहर लेने की, कुछ भी सीट करे तो बाय बाय हम लोग जा रहे हैं। क्या बोली उसका नाम है, चेक नहीं करने का, लेने का नहीं, चेक करने का। देख क्या देख रहे शादब, मेरे को भी कुछ देखने का मन हुआ इसलिए मैं भी ये देख रहा हूँ। रहा नहीं है ये वो है बच्चे लोग का नाखून ट्रिम करने का, किसी को गिफ्ट देने के लिए सही, न्यू बॉर्न से लेके एक दो साल के बच्चों के लिए सही, फिल्टर है कलर लग रहे मेरे को तो, वाटर कलर नहीं, ये सब नाखून अपने वाटर कलर जैसे लग रहे है ऐसा बोल। क्या कर रहे हो अभी, चलो फटाफट बिल करो, थका लिया बोली बिल करो डायरेक्ट, बात अलग है कि बड़े हो गए लेकिन अभी भी शौक गया ही नहीं सब न्यू क्रिएटिविटी चीज़ देखने का। मतलब मेरे को बोल रहे कि इतना टाइम लगा रही यहाँ पर, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें कि देखने का दिल करता है। तो अभी अब हमें सामान ले लिए, ये तीन चीज़ लिए जो कि हम लोग को 1000 रुपये में पड़ी, कितने मुस्कान आयु तो कैसा चीज़ था ना तेरे को आयत, देख अच्छा है ना ये, अभी आयत पड़ी साइकिल के पीछे, सही मिला ना मुस्कान फिर भी 1000 रुपये में, 3000 रुपये में नहीं फिर भी बता रहा हूँ, ये चीज़ जो क्वालिटी के हिसाब से मिली अपने को, ना ये भी स्टील का अंदर से बॉटल भी, बॉटल भी स्टील की है और प्लस एकदम मतलब हैवी मटेरियल है, रबर की 620 लिखा है लेकिन अपने को ये 500 रुपये में मिल गई डिस्काउंट करके अपने लिए, क्योंकि हर चीज़ जो है हम लोग स्कूल की आयत की वाटर बॉटल से लेकर कंपास से लेकर सब यहाँ से ही लेते हैं। चलो तो अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं, बिल्ली को देख क्या कर रही है, स्नोवी स्नोवी बिल्ली को इतनी मस्ती चढ़ी है, वो क्या खुद थैली के अंदर बंद हो गई है। अरे स्नोवी क्या कर रही है, चीज करो चीज से चीज करो, अरे सेकंड हो सेकंड, हाथ आई करो, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा था कि हम लोग ने ये बिल्ली लिए थे, तो हम लोग ने इसका नाम स्नोवी रखे है और ये बहुत ही एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत मस्ती करती है और आयत से बहुत प्यार करती है, आयत भी इससे बहुत प्यार करती है। आयु हेलो स्नोवी, स्नोवी कुछ बोल रही है आपको, हे मुंह पे मत लगाओ, मुंह नहीं लगाने का बेटा, बाल टूटते ना उसके, गई ले अभी खाने दे इसको छोड़। तो आयत की लॉलीपॉप पे बिल्ली का बाल लग गया गलती से, दूसरा लेके जाता ठीक है, मैं खा लू, वाह वो नहीं खाई और मैं खा लू, उसको नहीं खिला रहा तो परेशान था गनी, हम लोग रास्ते में मिला तो हमने चल घर पे लेके आता, क्योंकि ये बहुत एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ये जो साइड से टकला हो रहा है उससे नहीं, इसके जो बची कुछ बाल है वो सेट नहीं हो रहे थे प्रॉपर, ऐसा उंगली क्यों मार रहे हैं यहाँ से मेरे को, नेचुरल है जेनेटिक है ये बाल, लेकिन चलो जो भी है, हर कोई चाहता कि अपने मेरे बाल अच्छे रहे, हम लोग किधर जाते हैं बॉयज लोग खासकर ये कि हम लोग किधर जाए तो बाल सेट होना चाहिए, तो मैं इसको घर पे लेके आया और बताया कि देखिए ये हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वैक्स है जिससे तेरे बाल स्ट्रांग होल्ड हो जाएंगे और ऐसे खड़े रहे तो ऐसे भी खड़े रहेंगे, अदरवाइज इसके बाल भी मेरे जैसे थे कि मतलब एकदम स्लोप, वो बड़े बाल ज्यादा मतलब सेट नहीं होते लेकिन सेट हो गए, वो बात अलग है कि यहाँ से तेरे बाल चले गए। का स्कूल का बैग था ये भी था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुस्कान ये है नहीं ना अभी स्कूल का बैग, नहीं मतलब अभी आयत इसको यूज नहीं कर पाएगी, तो लास्ट ईयर जो था वो आयत का कोई भी बैग नॉर्मल बैग हम लेके जा सकते थे, बट क्या हुआ पढ़ो ना आप 177 बट क्या ये देखो ये आयत की राइटिंग बताओ, आपकी राइटिंग तो बताओ, अरे सब देखेगी आपको, वाओ बोलेंगे सब कमेंट करेंगे, तो ये आयत को गर्मी के सीजन का होमवर्क मिला है, गर्मी के सीजन का समर सीजन का समर ओकेशन के वेकेशन क्या बोली तूने, वेकेशन तो राइट 1 to 10 फाइव टाइम, तो आयत माशाल्लाह से पूछती है कि ये क्या लिखा है और फिर हम लोग बता देते कि ये लिखा है। देखो मैंने वोट दिया था, वो वोट का निशान अभी तक गया नहीं, इतना पावरफुल वोट था मेरा एक्चुअली कुछ मैं बता दे, तो 1 2 3 4 देखो ये आयत की राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इसने पूरा होमवर्क किया और इसने आधा तो मुझसे कौन सा पेंसिल लिखी कहा गया
और इसने पेन से लिखी थी तो मुस्कान ने जरा पेजी फाड़ दी। आयत की जो स्कूल की टीचर है ना, उन्होंने होमवर्क लिख के दिए पूरा लिखे कि आपको ऐसा कॉपी करना है। तो आयत ने पहले क्या की मालूम, जो ये मुस्कान ने पेज फाड़ चुकी है, तो आयत ने सेम पेन से ही लिख दी और पूरा कॉपी कर दी यहाँ पे। और मैंने उसको पूछी ना कि पेन से क्यों लिखी, पेंसिल से लिखना चाहिए था, मम्मा टीचर ने भी तो वैसे पेन से लिखे ना, तो सेम वैसा ही कॉपी करूंगी ना। तो मुस्कान ने इसलिए बोली कॉपी करना है, तो आयत को लगा कि पेन से लिखा हुआ है तो सेम कॉपी करना है। तो मुझे मुस्कान ने क्या किया मालूम, क्या मुस्कान ने सीधा पेज ही फाड़ दी। तो अगर आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में स्टार्टिंग का जो हमारा पेज है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता था, लेकिन लास्ट पेज में तो आपको सबको पता, हर किसी के लास्ट पेज में कुछ ना कुछ तो बना रहता। चलो देखते हैं आयत के पेज पे क्या बना हुआ। तो ये आयत के पेज में ये क्या बना हुआ, ये दिल। एक बार बता, बुक उल्टी है, मतलब उल्टा बुरा के दिल बनाए क्या? डोरेमोन का मुंह है, डोरेमोन है, डोरेमोन का आंख किधर है? अब एक बार बता, डोरेमोन का मुंह दिल से बनाए देखना एकदम। आयत ने दीवार में खड्डा कर दी चूना खाने के लिए, देखा ये सब खड्डे दिख रहे हैं, ये सब कौन किया बेटा, कौन किया ये सब? कल रात में ना नींद में सो रही होती है, मम्मा मेरे को ना मट्टी खाने का दिल हो रहा है। बोलती नहीं ऐसा ना बोली कि मेरा पेट बोल रहा है कि उसको मट्टी खाने का दिल हो रहा है, ऐसा बोल दिया तूने? नींद में सो उठ के बोल रही है कि मम्मा मेरा पेट बोल रहा है कि उसको मट्टी खाने का दिल हो रहा है, ऐसा बोली। स्नोवी तू कितना मस्ती करता है, स्नोवी मार्शल आर्ट्स को जब लाया था थोड़ा छोटा था और इतना एक्टिव भी नहीं था, लेकिन घर पे आने के बाद बहुत एकदम एक्टिव हो गया। देखो यार, एक एक मिनट में एक कभी यहाँ मिलेगा, कभी वहाँ मिलेगा, कभी इस पे चढ़ते ही मिलेगा। तो आयत की कल जूनियर के जी का फर्स्ट डे है, तो कल से आयत की स्कूल चालू होने वाली है, कल आयत की स्कूल चालू होने वाली है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ईद की छुट्टी है, मतलब डायरेक्ट अभी नेक्स्ट थर्सडे जाने का। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने का। टाइम हो गया ना, अभी काश बस गंद रहती तो क्या करता बता, खुद की जबान में चला दे, तेरा भेजा फोड़ देता। भेजा फूटता नहीं है, फोड़ू चिड़चिड़ा होता है, मैं तेरी लाश काफी नहीं आई मेरे को। तो इन शॉर्ट यही है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहने का, क्योंकि हम लोग जब व्लॉग तभी बनाते थे जब हम लोग घूमने जा रहे या कुछ फंक्शंस रहते थे या कुछ मेन कोई ओकेशन रहता तभी बनाते थे, लेकिन अभी हम लोग ट्राई करेंगे डेली नहीं, लेकिन एटलीस्ट जितना हो सके उतना व्लॉग हम लोग बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो जो भी है आप लोग बस शेयर ज्यादा करा करो, लाइक कमेंट किए बिना कोई भी व्लॉग छोड़ा मत करा करो, जिससे हम लोग ज्यादा मोटिवेट होए और आप लोग के लिए ऐसी हफ्ते में 2-3 व्लॉग शूट करें, डेली व्लॉग्स नहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा महीने में 10-15 व्लॉग्स लाए आपके। आमीन बोल। तो यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड होता है, मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे, उससे पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना, बिना लाइक कमेंट शेयर के कोई नहीं आएगा, मुझसे मार खाइए।